कौन, इनसे जो गंध निकलता है और वो पानी में चला जाए तो क्या होगा? विल लीड टू बैड एंड फाउल स्मेल एंड पैथोजेन ग्रोथ विल अकर। और आखिरी जो है, इट इज थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। व्हाट इज मीन बाय थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर? जब कारखाने में मशीनरी चलती है, दिस इज अ मशीन विच इज इन रनिंग कंडीशन, तो मशीन के पार्ट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन पैदा होती है और ये मशीन गर्म हो जाएगी। तो इस मशीन को ठंडा रखना जरूरी है। कैसे इसको ठंडा रखते हैं? इसके इर्द गिर्द ठंडे पानी को सर्कुलेट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि गाड़ियों के रेडिएटर में हम पानी डालते हैं। जब गाड़ी का इंजन चलता है तो इंजन गर्म हो जाता है, लेकिन रेडिएटर में हम पानी डालते हैं, वो पानी इंजन के इर्द गिर्द सर्कुलेट करता है और इंजन से एक्सेस हीट रिमूव करता है। यूं ये पानी खुद गर्म हो जाएगा, लेकिन ये इस मशीन को ठंडा रखेगा, जिससे मशीन की कारकर्दगी अच्छी रहेगी। तो ये पानी खुद गर्म हुआ। अब ये गर्म हुआ, शुरू में ठंडा था, इसने एक्सेस हीट मशीन से एब्जॉर्ब किया, खुद गर्म। अब ये जो गर्म पानी है, इसका पलूट होने के चांसेस इस ठंडे पानी से बहुत ज्यादा होते हैं। वाटर वैसे भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी वाटर के अंदर ढेर सारी चीजें वैसे भी डिजॉल्व होती, और ऊपर से ये ठंडा गर्म हो जाए तो इसकी डिजॉल्विंग एबिलिटी और बढ़ जाती है। क्योंकि ये ठंडा पानी गर्म हो चुका है एंड इट इज मोर वल्नरेबल टू पॉल्यूटेंट कंपेयर टू दिस कोल्ड वाटर। इस किस्म के पानी को के पॉल्यूशन को कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो थर्मल पोल्यूशन का मतलब हुआ व्हेन वाटर इज यूज एज अ कूलेंट, तो बतौर कूलेंट अगर वाटर यूज किया जाए, वाटर गर्म हो जाएगा और फिर यही पानी छोड़ दिया जाता है टू वाटर सोर्स और टू अदर वाटर बॉडीज। यहां पे जो एक्वेटिक लाइफ होगी, यहां पे जो एक्वेटिक लाइफ होगी या जो बायोटा होगा, उसकी जिंदगी को खतरात लाहक हो जाते हैं इससे। सो दिस इज कॉल्ड थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर जब इन सोर्सेज में से जो मैंने बताए कौन कौन से थे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक वेस्ट, डोमेस्टिक रिफ्यूज, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्टेशन, सोप एंड डिटर्जेंट और थर्मल पॉल्यूशन। जब इनमें से किसी भी एक सोर्स के साथ कांटेक्ट में आ जाएं तो वाटर पलूट हो जाएगा, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, वाटर के अंदर सॉलिड्स आ जाते हैं। वाटर के अंदर
मौजूद सॉलिड्स तीन किस्म के हो सकते हैं। वंस अगेन, जो सोर्सेस वाटर पोल्यूशन के मैंने आपको बताए, अगर वाटर बॉडीज इन सात सोर्सेस में से किसी भी एक सोर्स के साथ कंटेक्ट में आ जाए तो वाटर पोल्यूट हो जाता है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। वाटर के अंदर सॉलिड्स आ जाते हैं, वाटर के अंदर सॉलिड्स तीन किस्म के हो सकते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, कोलाइडल सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड्स। वंस अगेन, जब वाटर इन सात सोर्सेज में से किसी भी एक सोर्स के साथ कंटेक्ट में आ जाए तो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। वाटर के अंदर सॉलिड्स आ जाते हैं, वाटर के अंदर सॉलिड्स तीन किस्म के हो सकते हैं, सस्पेंडेड, कोलाइडल और डिजॉल्व। तो सॉलिड्स इन वाटर, सस्पेंडेड सॉलिड लार्ज कोर्स पार्टिकल, यानी बड़े साइज वाले पार्टिकल्स जिसका मॉलिक्यूलर साइज 2000 एंगस्ट्रम से ज्यादा, इससे ज्यादा। ये इतने लार्ज साइज वाले होते हैं कि ये हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और अगर सॉलिड्स का मॉलिक्यूलर साइज इस रेंज में हो दस से 2000 एंगस्ट्रम के बीच, तो फिर ये कहलाते हैं कोलाइडल सॉलिड्स। कोलाइडल सॉलिड्स आंखों से नजर नहीं आते, इवन ये माइक्रोस्कोप के नीचे भी नजर नहीं आते, लेकिन इनकी मौजूदगी पानी को टर्बिड बनाते हैं। इनकी मौजूदगी आपने एक इफेक्ट से चेक करनी है जिसको टेंडल इफेक्ट कहते हैं। पानी को, जिस पानी में आपने कोलाइडल सॉलिड्स देखने हो, उस पानी को आप एक ग्लास कंटेनर में ले लें और इसके सामने आप एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इसके थ्रू करें और इसे आप 90 डिग्री से देखें, ऐसे जैसे ये कंटेनर है, ग्लास कंटेनर, इसके अंदर पानी है, इसके ऊपर में इस डायरेक्शन में लाइट थ्रो कर रहा हूं, तो मैं इसे देखूंगा यू सामने से 90 डिग्री से। जब इसे देखूंगा तो ये पानी मुझे टर्बिड नजर आएगा, साफ नजर नहीं आता, धुंधला नजर आएगा। जब ये आपको धुंधला नजर आ जाए तो समझे कि इसके अंदर कोलाइडल सॉलिड्स मौजूद हैं। ये जो टेक्निक हमने अपनाया, इस टेक्निक को कहते हैं टेंडल इफेक्ट। तो कोलाइडल पार्टिकल पानी को धुंधला बनाता है और जब आप ऐसे पानी को पियोगे तो यूं महसूस होगा
जैसे ये बहुत भारी है, यानी इसकी विस्कोसिटी या गाढ़ापन ज्यादा है, ये आपको खलड भी नजर आ सकता है। डिजॉल्व सॉलिड्स वो होंगे जिसका मॉलिक्यूलर साइज 10 एंगस्ट्रम से कम हो, और ये दो किस्म के होते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड्स कहां से आते हैं? जब पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ की ग्रोथ होती है और वो पानी के अंदर ही मर जाते हैं। ग्रोथ एंड डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। अच्छा, इसके अलावा डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड पानी में कैसे आते हैं? डोमेस्टिक रिफ्यूज, घरेलू कचरा आप पानी में डाल दें, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज जो हमने सोर्सेज में पढ़ा, इससे डीटीएक्स, बेंजीन, टॉल्यूइन, ज़ाइलीन और फिनोल पानी में चले आते हैं। लाइव स्टॉक वेस्ट, जानवरों के फुजला जा, स्लॉटर हाउसेस और पोल्ट्री फार्म के जो प्रोडक्ट हैं, अगर वो वाटर बॉडीज में छोड़ दिए जाए तो इससे पानी के अंदर डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड बनेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर जनरली क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये दो आयन वाटर हार्डनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अगर इनकी मिकदार 500 ppm से तक हो, 500 ppm तक, तो फिर आप इसे मिनरल कहोगे। लेकिन अगर इसकी मिकदार 500 ppm से बढ़ जाए तो फिर ये पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। यहां तक हो तो ये मिनरल, इसकी मिकदार 500 ppm से बढ़ जाए तो फिर ये पॉल्यूटेंट बन जाते हैं, ये पानी को खारा बना देते हैं, गदला बना देते हैं, टर्बिड बना देते हैं, और पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। पानी के अंदर डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड की मिकदार दो टेस्ट की मदद से किया जाता है कि पानी के अंदर कितना डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं। इसके लिए दो टेस्ट किए जाते हैं। एक टेस्ट को कहते हैं बीओडी और दूसरे को कहते हैं सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर सुन, पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स की मिकदार दो टेस्ट की मदद से मालूम किया जाता है। कौन कौन से हैं वो टेस्ट? एक टेस्ट कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा टेस्ट कहलाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों टेस्ट के दौरान एक ही काम किया जाता है, एक, और वो काम कौन सा है? चाहे
टेस्ट ये हो या ये हो, जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं वो ऑक्सीडाइज किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। टेस्ट चाहे ये हो या ये हो, बीओडी हो सीओडी हो, दोनों में ऑर्गेनिक सॉलिड ऑक्सीडाइज किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अगर ये रिएक्शन हम बैक्टीरिया की मदद से करें, बैक्टीरिया, तो ये टेस्ट कहलाएगा बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अगर यही रिएक्शन हम पोटाशियम डाइक्रोमेट की मदद से करें तो फिर ये कहलाएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बायोलॉजिकली ये रिएक्शन किया गया तो बीओडी, केमिकली ये रिएक्शन किया गया तो सीओडी। वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ये पानी इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है, तो इसके लिए ढेर सारे टेस्ट। पैरामीटर्स फॉर वाटर क्वालिटी, कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, वो पानी इस्तेमाल के काबिल होगा अगर वो कलरलेस हो, ऑडरलेस हो, टेस्टलेस हो। और देखो यही बात हमें इस्लाम ने 1450 साल पहले बताई है कि वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसका न स्मेल हो, न उसमें टेस्ट हो, न उसका कलर हो, तो वो पानी साफ पानी। आजकल मॉडर्न दुनिया में इस टेस्ट को पहले नंबर पे रखा गया है कि वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें न टेस्ट हो, न कलर हो, न ऑर्डर हो, वो पानी साफ। तो ये टेस्ट में पहले नंबर पे। दूसरा टेस्ट, पानी टर्बिडिटी से फ्री होगा, पैथोजन से फ्री होगा, यानी बैक्टीरिया नहीं होंगे और टर्बिडिटी धुंधलापन नहीं होगा, यानी कलर नहीं होगा। टर्बिडिटी काजिंग एजेंट ये है क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट और बाइकार्बोनेट। थोड़ा सा अल्कलाइन होना चाहिए, यानी पीएच 7 और 8 के बीच होना चाहिए, या 8 से मामूली सा ज्यादा अल्कलाइन होना चाहिए। टीओसी स्टैंड्स फॉर टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना होना चाहिए, 10 PPM। TDS total dissolved solid क्वांटिटी 500 PPM से कम होनी चाहिए। TSS total suspended solid 5 PPM से कम होना चाहिए। अगर पानी इनमें से किसी एक शर्त पे भी पूरा उतरता है तो वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो काबिले इस्तेमाल है। और अगर इन शर्त पे पानी पूरा नहीं उतर रहा, इन शराइत में, तो पानी पल्यूटेड है, बीमार है, इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसे पानी को फिर आप ट्रीट करोगे, वाटर ट्रीटमेंट करोगे, उस पानी को काबिले इस्तेमाल बनाओगे, उस पानी का इलाज करोगे। यू विल ट्रीट दी वाटर
वाटर का इलाज, वाटर ट्रीटमेंट, दैट विल बी इंशाल्लाह अवर नेक्स्ट लेक्चर, कि पानी जब पॉल्यूटेड हो जाए तो उसे कैसे काबिले इस्तेमाल बनाया जाता है। वाटर में मौजूद पॉल्यूटेंट्स या सॉलिड्स कैसे रिमूव किए जाते हैं।